आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हम व्यापारियों के हित की चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवार। इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद है जहां स्थायी समिति की आज बैठक थी और जो मुद्दा उठाया है वो सीलिंग के ऊपर उठाया है। मेरे संग विजेंद्र जी मौजूद है। सर, आपने मुद्दा सीलिंग के ऊपर उठाया है, क्या है पूरा मामला? आपने बोला कई सीलिंग ऐसी कर दी गई है, हैं, और कई ऐसी चीजें जो कर दी गई है जो नहीं होनी चाहिए, क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ये स्पष्ट बिल्कुल खुली किताब की तरह से निर्णय है कि अगर कोई सीलिंग हुई है तो उसमें ये देख लिया जाए कि अगर चाहे वो 2 साल पहले हो या 10 साल पहले हो, अगर उसमें कन्वर्जन चार्ज भरा रखा है, उसकी जो फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी हैं, उसका NOC का सर्टिफिकेट है, फायर का सर्टिफिकेट है, उन सबको अगर कन्वर्जन चार्ज भरने के बाद में डीसील कर दिया जाए तो कोई इसमें, मुझे लगता है कि हम व्यापारियों के हित की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से जो व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा इस तरीके से मन में उनके भय रहता है कि अगर हमारी सील हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ये सील भाई मॉनिटरी कमेटी के द्वारा खुलेगी या जोन के द्वारा खुलेगी, तो उनको जानकारी मिले और उनको जो नोटिस भेजा जाए, तो वो भी हमने एक कोशिश की है कि भाई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो सीलिंग का जो मुद्दा है उसमें अब कुछ हद तक राहत है और जल्द ही और भी राहत दी जा रही है। आपने अपने एरिया में बताया था कि आपके एरिया में कोई भी ऐसी चीज़ें हो रखी है तो उस पर अभी तक कुछ कार्यवाही हुई है? जी, मैं जैसे 5 मेरे जोन रहा उसके अंदर में 5 दुकानें सील हुई, तो उसमें से कोई बनी के नाम से है, कोई हनी के नाम से, कई ऐसी 3 जो शॉप थी उनको खोला गया। और मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन किया, भाई आप अगर उन्हें खोल रहे हैं तो उससे पहले अगर आपने उनको सील किया तो किस कारण से किया, अगर आपने डीसील किया तो क्या उन्होंने कन्वर्जन चार्ज दे दिया, या वो शॉप ऑथराइज जगह पे हैं, या वो शॉप जो आपने डीसील की हैं वो सब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई हैं। तो हमने उनके कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसके विषय में हमें जवाब मिल जाएंगे। जवाब मिल जाएगा। आपने बताया कि अभी सर बात करें, अभी स्थायी समिति के बाहर ही अभी जो कमेटी चल रही थी तो पूनम बागड़ी जी भी आती है, दिव्यांगों के ऊपर मुद्दा उठाती है, हैं, तो आरोप अजय शर्मा पे भी लगते हैं, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, जो तहबाजारी का प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो चर्चा चल रही थी और उस दौरान अगर पूनम अश्वनी बागड़ी जी वहाँ पर आए, मैं समझता हूँ कि कोई चर्चा अगर चल रही है तो उसके अंदर में पहले उसको चर्चा को पूरे तरीके से होने देना चाहिए। उनका जो कहना है कि भाई वहाँ पर नए तकर डाल के तहबाजारी का सर्वे कराया गया, अजय जी ने जो बात रखी वो उसके अनुसार कि भाई मेरे वार्ड में उन्होंने तहबाजारी के लाइसेंस कर दिए हैं या सर्वे करा दिया, ऐसा कुछ मेरे को समझ आया, लेकिन वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई। जहाँ तक टोटल तहबाजारी, जैसे DC साहब ने बताई थी के लगभग 2700 तहबाजारी उन जोन में हैं और 753 जो तहबाजारी हैं वो उसी वार्ड में, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक जोन में 15-16 वार्ड आते हैं तो हम समझ लें कि वो एक जोन में ही सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये DC इस चीज़ का कमेटी का चेयरमैन होता है, वो जवाब देंगे। विजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि सीलिंग के मुद्दे पे भी बात करी और उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से सीलिंग बढ़ रही है तो उनको खत्म भी कर रही है MCD, और साथ ही साथ जो अश्वनी बागड़ी जी आ जाए थे सदन में उन पे भी मुद्दा पे चर्चा करी मुद्दे पे, और उन्होंने यही बताया कि ये सब मिली भगत है और इनके मुद्दों पे जल्द ही जांच की जाएगी। कैमरा सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।